ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको खबरों में लिए चलते हैं दतिया की ओर। दतिया जिले के ग्राम जिगना जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा का जन्मदिन मनाया गया और वो भी अनोखे अंदाज में। वैसे तो आप लोगों ने जन्मदिन अधिकतर रेस्टोरेंट एवं होटलों में मनाते हुए देखे होंगे, लेकिन आज हम दिखा रहे हैं आपको इस खबर में मध्य प्रदेश की दिव्य नक्षत्र वाटिका में मनाए जा रहे जन्मदिन उत्सव की तस्वीरें, जो वास्तविकता में अद्भुत एवं अनमोल है। आपको बता दें, वैसे तो दतिया जिले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र का जन्म दिवस अधिकतर उनके समर्थकों द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन जिगना स्थित कमलू चौबे के द्वारा खंड रामायण एवं भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक कर एवं कन्याओं के पूजन के द्वारा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र का जन्म दिवस मनाया गया। इतना ही नहीं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार जन्मदिन के उपलक्ष में भंडारा चल रहा है। वहीं नवग्रह 12 राशि एवं 27 नक्षत्र में बनी हुई दिव्य नक्षत्र वाटिका में इसका आयोजन किया गया, जो इस जन्म उत्सव को लेकर बताती है कि गृह मंत्री के पुत्र सुकर्ण मिश्रा के जन्म उत्सव को लेकर यह अद्भुत पहल है। सर, आपका नाम? कमलू चौबे, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत दतिया। सर, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि आपके द्वारा गृह मंत्री के पुत्र का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्या कहना रहेगा? हमारी पूरी महिला मंडल द्वारा मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पहली दिव्य नक्षत्र वाटिका जिगना है और कामतानाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी से भी और हमारे सुकर्ण भैया आगे जाएं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सभी भक्तों के लिए। तो ये प्रोग्राम आपके द्वारा निरंतर किया जा रहा है कि इसी वर्ष? नहीं, 8 वर्ष से अधिक निरंतर चल रहा है और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही चलता रहे। हमारे भैया को ईश्वर आगे और बढ़ाए, सुख समृद्धि और ऊंचाइयां छुए प्रदेश में। आपके क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है? पूरे हमारे जिले में, दतिया जिले में पूरे उत्सव में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय युवा हृदय सम्राट माननीय डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा का पूरे हर्षोल्लास के पूरे जिले में मनाया जा रहा है। जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है यहाँ आने से और ये सब कृपा भोलेनाथ की है। और ये जो वाटिका है नक्षत्र वाटिका, और जो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उनके सपुत्र का यहाँ ये जन्मदिन भी मना रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, मैया से, के पुत्र की दीर्घायु हो और उनका पुत्र नाम रोशन करे, पिताजी से भी आगे जाए, ये मेरी माँ से प्रार्थना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसे ही कार्य होते रहें तो बहुत सुंदर रहेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और उनका बालक उनसे आगे जाएगा, ये मैया की कृपा है। पंडित जी, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या है आपका नाम? पंडित श्री राम साय चतुर्वेदी। और ये जो कार्यक्रम हुआ है ये 8 वर्षों से चला आ रहा है और श्री कमलू भैया के नेतृत्व में माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी के सुकन भैया का दीर्घायु के लिए जन्मदिन मनाते हैं। तो ये कार्यक्रम 8 वर्षों से आप ही के द्वारा किया जा रहा है? जी। तो आपको कैसा लगता है इस प्रकार का कार्यक्रम जब आयोजित होता है? बहुत अच्छा लगता है, इससे क्या है कि आगे की ओर छवि बढ़ती है और लोगों में आस्थाएं आती हैं और लोगों में इस तरह से मान लो प्रचार भी उस चीज़ का फैलता है। और सुकन भैया के लिए मान लो दीर्घायु के लिए जन्म उत्सव मनाते हैं कमलू भैया।